हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो सर्व स्ट्रेटजी है। उसके बारे में सर्व स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। ये लेक्चर हमारा 4 है और ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ये लेक्चर, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा था तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती, इस वजह से मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्ट्रेटजी सर्विस, किसी भी चीज़ की स्ट्रेटजी क्यों बनाई जाती है, और अगर सर्विस स्ट्रेटजी को देखें तो उसका क्या अमल दखल है इस ITL के अंदर। IT सर्विस स्ट्रेटजी इस बात को डिस्कवर करती है कि कौन सी सर्विसेज ज़रूरत हैं हमारे बिजनेस के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करने के लिए। मसलन मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी तो वो यूज़ करेंगे, यानी कि हमारे जो अचीवमेंट बिजनेस और बिजनेस के जो गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन से सर्विसेज हैं वो उनको अचीव करने के लिए वो सपोर्ट करेंगी। मिसाल ऐसे देता हूँ, जैसे विंडोज़ का जो ट्रायल वर्जन होता है वो 360 डेज के लिए या 180 डेज़ के लिए वो आपको ट्रायल देते हैं विंडोज़ का, तो वो कहते हैं कि हमारी आप यूज़ करें, अगर आपको पसंद आए तो फिर हमसे लाइसेंस वगैरह ले लें। तो ये और भी बहुत सी कंपनीज होती हैं जो जिनके हाई प्रोडक्ट्स होती हैं वो लो लेवल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपको फ्रीवेयर देते हैं, और जो उनकी जिसमें रिच प्रोडक्ट फीचर होता है उसमें वो लाइसेंस देते हैं, ताकि फ्री इसलिए देते हैं ताकि आप उनको यूज़ करें और जो फिर रिच प्रोडक्ट फीचर में लाइसेंस की इन्वेस्टमेंट करके वो ख़रीदें अपनी कंपनी के लिए। और अगर दूसरे वे में हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि जो कोई कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो उसको लॉन्च करने से पहले स्ट्रेटजी बनाई होगी उसने कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इसको देखें कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने उसके अलावा उसको ये देखें कि हमने क्या वो जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं हम, क्या अगर ना जो प्रोवाइड हम करें वो अगर कस्टमर को अट्रैक्ट ना करे तो क्या उसका लॉस हम बर्दाश्त कर सकते हैं, और अगर हमने वो प्रोवाइड कर दिया है तो क्या वो हम इतनी इनफ प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो कस्टमर को सही अट्रैक्ट करे जिसके ज़ुमरे में, इस ये चीज़ को देखना है। फिर ये देखना है कि मार्केट के इसकी सर्विस कौन कौन दे रहा है, कंपटीटर कौन से हैं, उनसे आप प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छे फीचर वगैरह के ला कर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उनके कंपटीशन में लाएँ और अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा रिच करें, ताकि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल चीज़ें रिचर फीचर्स मिलें आपकी सर्विस में, तो ये स्ट्रेटजी में एक स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होता है। तो 4 एक्टिविटीज़ होती हैं सर्विस स्ट्रेटजी में, कि सबसे पहले मार्केट को डिफाइन किया जाता है कि मार्केट कैसी है, अगर ये प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो यूज़र्स हैं उसकी क्या सूरत हाल है, उसके अलावा कंपटीटर्स कौन से हैं, उसको कैसे देखा जाएगा, वो उसको कैसे लेंगे, क्या वो ये ना होगा वो आने वाले फ्यूचर में कोई अच्छी और स्ट्रेटजी लेकर आपके लिए आपको बीट करने के चक्कर में हो, तो वो आप उस चीज़ मद्देनज़र को देखेंगे, फ्यूचर प्लान भी करेंगे इसको डेवलप ऑफरिंग, आप फिर ऑफर भी आपको देनी पड़ेगी। कि एक मिसाल ऐसे देता हूँ, जैसे दो कंपनीज हैं उन्होंने ईमेल एक्सचेंज का कहा है कि जी हम देंगे, तो फिर एक कंपनी कहती है जी हम आपके लाइसेंस वगैरह जब आप लेंगे हमसे या कोई ऑफरिंग वगैरह लेंगे हमसे तो हम आपको साथ में सपोर्ट फ्री देंगे या 24/7 सपोर्ट देंगे, या एक्सचेंज में कोई मसला अगर इस तरह की ऑफरिंग वगैरह आप डेवलप कर सकते हैं। फिर आपको स्ट्रेटेजिक एसेट, आपकी स्ट्रेटेजिक एसेट कैसी है, आपके एसेट से देखना होगा कि प्रोजेक्ट के टाइम एसेट कम ना पड़ जाएँ, एसेट आपको पता है कि कौन से होते हैं, टाइम मनी प्रोक्योरमेंट पीपल, ये आपके एसेट्स होते हैं। फिर आपको एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है हर टाइम, के किसी वक्त भी आपको कोई चीज़ अगर आप दूसरे मार्केट से ज़्यादा अपने आप को लेवल सर्विस हाई करना चाह रहे हैं तो आप हर टाइम एग्जीक्यूशन मोड में हो, ताकि आपको जब भी कोई क्यूरी मिले तो आप फ़ौरन उसको रन करने के लिए या उसको ट्रबल शूट करने के लिए फ़ौरन रेडी हों। सर्विस स्ट्रेटजी के 4 P's होते हैं। नंबर 1, प्रस्पेक्टिव, पोजिशंस, प्लान्स एंड पैटर्न्स। प्रस्पेक्टिव ये कह सकते हैं कंपनी का व्यू क्या है, जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है टॉप टू बॉटम उसके बारे में कम्युनिकेशन होती है, बात डिस्कस किया जाता है। और पोजीशंस में ये देखा जाता है कि कस्टमर की क्या पोजीशन है, कस्टमर हमारी जो स्ट्रेटजी है क्या उसको हम मीट कर रही है नहीं कर रही, कस्टमर कहीं कस्टमर को क्या अट्रैक्ट करता है, आप उसके मुताबिक जो कस्टमर की जो पोजीशन लेवल है उसके मुताबिक जाकर आप अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बनाएंगे, कंपटीटर को भी देखते हुए कि आपके कंपटीटर कैसे हैं। फिर आपने देखना है प्लान, कि आपका प्लान क्या है, अगर बिजनेस का फ्यूचर आपके बिजनेस का जो फ्यूचर होगा वो कहाँ पर है, आप अपने विजन को कैसे हासिल कर सकते हैं, ये चीज़ें प्लान्स में आती हैं। फिर पैटर्न देखना पड़ेगा आपको, एक
वक्त के साथ साथ आपको फैसले करने पड़ेंगे, एक्शंस वगैरह लेने पड़ेंगे या कुछ रैबिट डिप्लॉय चेंजेज करनी पड़ेगी तो आपको फ़ौरन कर लेनी चाहिए। ये फोर पीस जो हैं फंडामेंटल जो हैं इसके स्ट्रेटजी के हैं। फिर हम अगर सर्विस वैल्यू के बारे में देखें, सर्विस वैल्यू का क्या है, तो सर्विस वैल्यू बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनती है, सर्विस यूटिलिटी एंड सर्विस वारंटी। सर्विस यूटिलिटी को हम डिफाइन करते हैं, सर्विस काम क्या करती है, कैसे करती है, क्या ये सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है या कोई क्लाउड के ऊपर सर्विस दे रहा है या अमेज़ॉन के ऊपर, या जिस तरह मिसाल देता हूँ अमेज़ॉन के ऊपर कोई सर्विस, इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ रहा है बिज़नेस के ऊपर, या आप इसको इस सर्विस को इम्प्रूव करने की एबिलिटी भी रखते हैं, अगर कोई ट्रबल शूट आ जाए इसको कैसे आप इम्प्रूव करेंगे, अगर कोई मसला आ जाए इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, आपकी स्पोर्ट का कैसे सलाहकार है, ये यूटिलिटी में आता है। फिर सर्विस वारंटी, सर्विस की क्या वारंटी होगी, आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कितने परसेंट आप उसको सपोर्ट दे सकते हैं, उसकी यूजेज का क्या है, क्या बार बार कहीं मसले तो नहीं आ रहे, क्या उस मसले को आप बार बार सॉल्व करने के बावजूद मसले ना आने ना ना आना, ये एक वारंटी की एक अहम निशानी होती है कि बार बार उसको मसले ना आए, अगर आए भी तो आप उसको सॉल्व करें, ये बेसिकली इस वारंटी के अंदर आता है कि कितनी यूज़र की जो एक्सपेक्टेशन आपने इसके अंदर फिल किया है उसको, ये सर्विस वारंटी के अंदर आता है। फिर हम देखते हैं कि सर्विस की जो टाइप्स हैं, सर्विस टाइप्स कितनी तरह की होती हैं, सर्विस जो टाइप्स हैं वो तीन तरह की होती हैं, कोर सर्विसेज, इनेबलिंग सर्विसेज और इन्हेंसिंग सर्विसेज। कोर सर्विसेज की अगर हम बारे में डिस्कस करें तो ये बेसिक आउटकम्स होती हैं जो आपके कस्टमर की एक्सपेक्ट करता है कि ये मसाला से देता हूँ कि अगर आप किसी कंपनी ने आपसे ईमेल सर्विस ली हुई है और आप उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, उसकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि आपने उसको ईमेल सर्विस दी है तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि वो सेंड करेगा ईमेल या रिसीव करेगा या इस तरह की ये कोर सर्विसेज हो जाएंगी। इनेबलिंग सर्विसेज, इनेबलिंग सर्विसेज ये उस कोर सर्विस को सपोर्ट करती है, ये बाज़ार नज़र नहीं आती लेकिन मगर इसका होना बहुत ज़रूरी होता है कि वो इसको डिलीवरी करते वक्त ज़रूरत होती है जब आप कोर सर्विस डिलीवर करते हैं। तो इन्हेंसिंग सर्विसेज ये कस्टमर को लालच देती है, ग्रीडी करती है कि जो हमारे फ्री ट्रायल जब यूज़ करें ताकि आपको अगर पसंद आए तो आप वो चीज़ को ले लें, ये इन्हेंसिंग सर्विसेज होती है, तरगीब देती है यूज़र्स को अट्रैक्ट करने की, ये तरीक़ाकार होता है ये उनका कि अगर मिसाल ऐसे देते हैं जैसे आप ऑलरेडी ईमेल सर्वर दे रहे हैं तो उसके अंदर आप ऑफलाइन एड्रेस बुक का फीचर दे दें, या कहीं आपकी ईमेल हम स्पैम से होकर गुजारते हैं, स्पैम फायरवॉल आपको लगा कर दी हुई है, आईपीएस आईडीएस डिवाइस लगा कर दी हुई है, ये उसके अंदर ये चीज़ें सारी आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट हम जो डिस्कस करते हैं वो सर्विस पैकेज है। सर्विस पैकेज ये एक बंडल होता है जो आईटी सर्विस अपने कस्टमर को ऑफ़र करते हैं, इंटरनल कस्टमर या एक्सटर्नल कस्टमर्स होते हैं। सर्विस पैकेज के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, कोर सर्विसेज पैकेज आता है, सपोर्टिंग सर्विस पैकेज आता है और सर्विस लेवल पैकेज आता है। और अगर सर्विस लेवल पैकेज को देखें तो सर्विस लेवल पैकेज जो होता है वो क्या होता है, सर्विस लेवल पैकेज को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक ख़ास किस्म का सर्विस पैकेज होता है जिस जो बेनिफिट्स जो लेवल ऑफ़ बेनिफिट्स और वारंटी लेवल का सर्विस पैकेज होता है उसकी उसको डिफाइन करता है, एक ख़ास किस्म का पैकेज जो बेनिफिट्स के लेवल और वारंटी लेवल सर्विस पैकेजेस को डिफाइन करता है। उसमें आप कैसे कह सकते हैं कि जी बेनिफिट्स कौन से होंगे कस्टमर्स को और वारंटी क्या होगी, वो आपके नीचे लेवल्स हैं, अवेलेबिलिटी है, कैपेसिटी है, कॉन्टीन्यूटी, सिक्योरिटी, सर्विस सपोर्ट और सर्विस फीचर है। कैपेसिटी या सॉरी सबसे पहले अवेलेबिलिटी है, अगर अपने ऑनलाइन क्लाउड के ऊपर आपने कोई डाटा बेस ली हुई है या उसने किसी थर्ड पार्टी से तो वो ऑलवेज़ अप हो क्योंकि आपकी उसकी मेन वारंटी आपने इसको दी हुई है कि अवेलेबिलिटी ऑलवेज़ होगी। कैपेसिटी अगर आपकी स्टोरेज कितनी है इसको आपने इसकी जो स्टोरेज अगर मिसाल बढ़ानी है तो उसने अपनी स्टोरेज बढ़ानी है तो आपके पास भी स्पेस होनी चाहिए ताकि उसकी स्टोरेज को बढ़ाई जा सके। कॉन्टीन्यूटी मैयर्स अगर देखें तो डाटा बेस जो होगी वो उसका हमेशा अप होनी चाहिए। अगर आप किसी सूरत में माइग्रेट करते हैं या आपके पास कोई कोई बग आ जाता है लेकिन आपके पास हाई अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है इसमें। फिर सिक्योरिटी, आपका जो डाटा बेस है वो कितनी सिक्योर है, आपने उसको कितनी सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड की है। फिर सर्विस सपोर्ट, आपके जो आवर्स ऑफ सपोर्ट हैं वो 24/7 हैं या कुछ स्पेसिफिक हैं, इसमें चीज़ ये आ जाती है। और फिर सर्विस फीचर, आप कैसे उसको एक्सेस दे रहे हैं, वीपीएन के थ्रू दे रहे हैं, वेब बेस्ड दे रहे हैं या एप्लीकेशन बेस्ड दे रहे हैं, ये सारी उसमें चीज़ें आ जाती हैं। और फिर लास्ट में ये कंपैरिजन है सर्विस लेवल पैकेज, सर्विस लेवल पैकेज के अंदर अवेलेबिलिटी लेवल्स, कैपेसिटी लेवल्स, कॉन्टीन्यूटी, सर्विस लेवल्स, फीचर ऑफ सर्विसेज एंड सपोर्ट सर्विसेज आ जाते हैं। सर्विस पैकेज में क्या आता है वो मैंने आपको पहले बताया था, सर्विस कोर सर्विस पैकेज,
कोर सर्विस पैकेज जो बेसिक क्रिटिकल सर्विसेज होती हैं, ठीक है, सपोर्टिंग सर्विस पैकेज डिफरेंट मोर इफेक्टिव ऑफ कोर सर्विसेज, यानी कि कोर सर्विस को जो सपोर्ट करती है वो होती है। फिर सर्विस लेयर पैकेज, फिर सर्विस लेयर पैकेज क्या डिफाइन द लेवल ऑफ यूटिलिटी एंड वारंटी प्रोवाइडेड बाई सर्विस पैकेज। ये जो सर्विस पैकेज, जो सर्विस पैकेज की तरफ से लेवल ऑफ वारंटी और लेवल ऑफ बेनिफिट्स या यूटिलिटी को इस्तेमाल का जो उसमें प्रोवाइड करता है सर्विस पैकेज, उसमें वो सर्विस लेवल पैकेज में कंसिडर किया जाता है। तो ये सर्विस स्ट्रेटजी का पार्ट वन था, और मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं इसके बाद इसकी नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा, वो आपको मैं फिर जल्दी अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।